बेसा पिपला नगर पंचायत के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में शनिवार से बेसा परिसर में 3 दिवसीय कला व संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत दूसरे दिन बाईपन भारी देवा फेम एक्ट्रेस दीपा परब और कॉमेडी शो का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए उपस्थित थे। साथ ही पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर, लोंदे ज्वेलर्स के राजेश लोंदे मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके साथ ही कई नामचीन हस्तियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 6 बजे हल्दी कुमकुम से हुई। इसके साथ ही वान का वितरण एवं उखाना लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रथम 100 महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। महिलाओं के लिए साड़ी फैशन शो और भरतनाट्यम का आयोजन भी इस दौरान किया गया था। इस समय महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। बेसा पिपला नगर पंचायत को एक साल पूरा होने के मौके पर विविध कला और संस्कृति का आयोजन किया गया है कार्यक्रमों का, और उसी श्रृंखला में आज ये दूसरा दिन है और बाईपन भारी देवा और हाल ही में जो है मकर संक्रांति संपन्न हुई है और उसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ हल्दी कुमकुम भी लिया गया है। हमने अभी देखा कि बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पे महिलाएं सज कर आई है और उन्होंने बहुत ही प्यारा डांस किया, क्या बताओगे आज? थैंक यू सो मच, आपका दिख रहे हमें भी यहाँ आकर बहुत 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 मजा आया है और हम लोग और इंजॉय करने वाले, अभी तो शाम बाकी है, कुमकुम का इवेंट है इसलिए हम सज धज के आए हैं और बाईपन भारी देवा और बाकी है। तो महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है, लेकिन सरप्राइज भी अभी बाकी है क्योंकि तू साल पूरा ये इसकी जो फेम है दीपा परब ये भी अभी आने वाले हैं और उसके बाद इनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और ये हमें देखना होगा। महिला कार्यक्रम का विशेष आकर्षण बाईपन भारी देवा फेम दीपा परब ने बाईपन भारी देवा गाने पर डांस कर शो में रंग बिखेरे। बेसा पिपला नगर पंचायत को एक साल पूरा हुआ है और उस मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और उसी श्रृंखला में आज जो है ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन में बाईपन भारी देवा फेम दीपा परब यहाँ आई है और इसके साथ ही हाल ही में मकर संक्रांति संपन्न हुई है और उसके लिए हल्दी कुमकुम फैशन शो जैसा भी कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। हमने अभी देखा कि महिलाओं का उत्साह यहाँ देखते ही बन रहा था। अब जो दीपा परब ये एक्टर है इनको देखने के बाद यहाँ की महिलाएं और भी ज़्यादा उत्साहित होने वाली है। हम उनसे जानते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आप नागपुर आए हो, क्या बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और खुशी भी महसूस हो रही है। पहले तो मैं तहदिल से ये कहना चाहूँगी कि बेसा पिपला नगर पंचायत को एक साल पूरा हुआ है, उसके लिए आप सभी का अभिनंदन। और मुझे यहाँ बुलाया गया है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सो आई एम हैप्पी। यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बाईपन भारी देवा यहाँ अभी बाईपन भारी देवा होने वाला है, तो क्या बताओगे? महिलाएं यहाँ बाहर पूरी आ चुकी है, क्या बताओगे? आई फील प्राउड, बहुत मज़ा आ रहा है कि औरतें इतना प्यार कर रही है और ये एहसास होना कि अरे ये साधारण सी औरतें हैं, हर एक औरत साधारण ही होती है, लेकिन उनका प्यार देख के ये महसूस हो रहा है कि डेफिनेटली हमने इनके मन में कहीं जगह बनाई है और उसके लिए मुझे भी अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है कि वो मुझसे इतना प्यार कर रही है। नागपुर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारी संतरा बर्फी भी खरीदी फैमिली के लिए, तो मज़ा आ रहा है। बहुत प्लेजेंट सिटी है एंड फिर से यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थी दीपा परब और इन्होंने बहुत ही यहाँ आकर अच्छा महसूस किया है। साथ ही जो है हम देख रहे हैं कि अभी बहुत कार्यक्रम है, वो भी हमें देखना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।